Hello everyone, good morning. Myself Mayurida Sarani. I hope you all are fine. Today's subject Hindi. Today's topic A. पहले हमने A कैसे ट्रेस करना हो सीख लिया और उसका ओरल भी सीख लिया, तो आज हम A कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे. तो सबसे पहले A कैसे करना है, पहले यह लाइन है A हम हिंदी में बड़ी लाइन में ही लिखेंगे. यहाँ कर्व करना है, फिर यहाँ से दूसरा कर्व वो भी इस लाइन को टच करना है, फिर यहाँ से थोड़ी स्लिपिंग लाइन, फिर ऊपर साइड में स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लिपिंग लाइन. और हमारा मैथ्स में थ्री भी हो गया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. पहले थ्री बना दिया, फिर यहाँ स्लिपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन और ऊपर छोटी सी स्लिपिंग लाइन, कर्व दूसरा कर्व स्लिपिंग स्टैंडिंग और ऊपर छोटी सी स्लिपिंग है. देख यहाँ थोड़ी जगह रह गई है, ये रॉन्ग हो जाएगा. आपको यहाँ नीचे वाली जो लाइन है उसको टच करना है. वैसे ये लाइन हम छोड़ देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे कर्व दूसरा कर्व स्लिपिंग और स्टैंडिंग और ऊपर छोटी सी स्लिपिंग लाइन, कर्व दूसरा कर्व स्लिपिंग स्टैंडिंग स्लिपिंग लाइन, कर्व दूसरा कर्व स्लिपिंग स्टैंडिंग और ऊपर छोटी सी स्लिपिंग लाइन. चलो अब हम हिंदी की छोटी बुक निकालेंगे, उसमें सबसे पहले सी डब्ल्यू लिखना है और यहाँ पे आपको डेट लिखनी है. फिर आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की बुक्स है ना उसमें वन बॉक्स छोड़ के आपको सबसे पहले एरो बना लेने हैं. जो बड़ी बड़ी लाइन है वो एक एक छोड़ के एरो बना लेंगे हम. ये छोड़ दी मैंने तो यहाँ एरो बन गया, यहाँ छोड़ दी तो यहाँ ऐसे वन वन छोड़ के हमें एरो बना लेने हैं. तो चलो ये मेरे एरो बन गए. अब जहाँ जहाँ मैंने एरो बनाया ना उसी लाइन में हम लिखेंगे. और अ में कैसे लिखना है, पहला कर्व दूसरा कर्व और यहाँ पे स्लिपिंग लाइन, फिर यहाँ स्टैंडिंग लाइन और ऊपर छोटी सी स्लिपिंग लाइन. अगर आपको ऐसा लगे पहला अ तो ये पहली लाइन है और मम्मा को बोलना है आपको लिख दे, और नीचे आपको डाउन डाउन अपने आप लिखना है. अगर आप नहीं लिख सकते हो तो पहली लाइन आपको मम्मा लिख देंगी और नीचे आपको डाउन डाउन अ लिखना है, कर्व और दूसरा कर्व स्लिपिंग और स्टैंडिंग लाइन. तो आपको ये नीचे डाउन डाउन कंप्लीट करना है, कर्व दूसरा कर्व स्लिपिंग स्टैंडिंग, कर्व दूसरा कर्व स्लिपिंग स्टैंडिंग स्लिपिंग. और थ्री की मदद से भी आप बना सकते हैं. थ्री बना लिया हमने, फिर यहाँ छोटी सी स्लिपिंग लाइन और स्टैंडिंग स्लिपिंग. चलो आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है. चलो अब हम हिंदी की जो बड़ी बुक्स है हमारी टेक्स्ट बुक वो निकालेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सी डॉट डब्ल्यू और यहाँ पे डेट डालेंगे. तो सबसे पहले कौन सा पिक्चर है, अ से अदरक भी होता है और अ से अनार भी होता है, तो यहाँ है अ से अदरक. उसके बाद हमें यहाँ अ दिया है उसमें हमें कलर करना. चलो हमने ये दोनों बड़ा और छोटा अ हमको दिया था उसमें हमने कलर कर लिया. तो अब नीचे क्या लिखा है, अ अक्षर की रचना सीखे और लिखे. तो अब हम अ लिखना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्या देख दिया है, देखो हमने पहले सिर्फ कर्व ही दिखाए, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है ना वही दिया है. उसके बाद कर्व और दूसरा कर्व दोनों साथ में दिया है, उसके बाद कर्व दूसरा कर्व और स्लिपिंग लाइन, उसके बाद कर्व दूसरा कर्व स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन, उसके बाद जो हमें पूरा और लिख के दिया है कर्व दूसरा कर्व स्लिपिंग स्टैंडिंग एंड. चलो ये हो गया, उसके नीचे की लाइन में हमें ट्रेस करना है. आपको कर्व दूसरा कर्व स्लिपिंग स्टैंडिंग और स्लिपिंग से और ट्रेस करना है. ये पूरी लाइन आपको ट्रेस कर देनी है. चलो उसके नीचे की लाइन में हमें अब अपने आप ही अ लिखना है. ये देखो रेड, क्या कौन सी लाइन दी है हमें, रेड ब्लू 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 और रेड. तो हमें बीच की जो लाइन है उसमें डॉट बनाकर लिखना है कर्व दूसरा कर्व, और ये स्लिपिंग लाइन है वही हमारी ये
दूसरी लाइन है उसके ऊपर ही, ब्लू लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए। तो आपको डॉट बनाकर अच्छे से अ, नीचे जो हमें दो लाइन दी है उसमें लिखना है। आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। और अगर ऐसे आप लिख दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको जैसे ऊपर दिया है इंस्ट्रक्शन में ऐसे ही अ बनाना है। और ये जो लास्ट वाली लाइन है वो भी आपको फिनिश करनी है। चलो ये हमारा अ हो गया। थैंक यू।